सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी बिना मात्रा वाले शब्द, आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा वाले शब्द। तो हम स्टार्ट करते हैं आ की मात्रा से। ये होती है आ की मात्रा। इसमें जो ये ऊपर होता है ये मध कहलाता है और ये आ की आवाज देता है। तो हम शब्दों को देखते हैं, तो जैसे आम, तो ये है हो गया हमारा अ, ये तो हो गया अ। अब हमें ये आ की मात्रा इसमें लेनी है, तो हम इसके ऊपर ये मद लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा आ प्लस पीछे म। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ये जुड़ता नहीं है, तो ये हो गया हमारा सेम, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ये आ ये म, ये हो गया आम। जैसे दूसरा काम, तो ये तो हो गया हमारा क प्लस। अब इसमें हमें आ की मात्रा लगानी है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ये है ये अ है, और ये मद जो होता है सिर्फ अ के ऊपर ही लगाया जाता है जब उसमें आ की आवाज होती है, और दूसरे शब्दों में सिर्फ इसको ही यूज किया जाता है। तो इसको हम ये लिख देंगे का प्लस और पीछे है म, तो ये हो गया काम। तो अब इनको हम मिला के लिख देंगे, तो ये तो हो गया हमारा क, इसमें हमने ये मिला दिया आ, ये म, ये हो गया काम। अब तीसरा जो है मैं आपको वो तीन शब्दों वाला बता देती हूँ। जैसे काजल, तो ये काजल, तो ये क, अब इसमें जो आ की मात्रा है तो प्लस ये अ, फिर प्लस ये ज अधूरा वाला, फिर प्लस ये ल। तो अब हम इनको तीनों को मिला देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो हो गया हमारा का, ये हो गया ज, अब इस ज में ये ल मिल जाएगा, तो ये हो गया काजल। ठीक है, एक शब्द और बता देती हूँ मैं, जैसे दामन, ये दा ये म ये न, तो ये तो हो गया हमारा द प्लस ये आ, ये हो गई इसमें आ की मात्रा, प्लस ये म अधूरा, प्लस ये न पूरा। मैंने बताया था आपको कि पीछे का जो भी शब्द होता है वो पूरा आता है, तो ये द में, यही बताया था मैंने कि इसमें द किसी भी शब्दों में नहीं मिलता है, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे, तो ये तो हो गया हमारा द, ये म, और ये म में यहाँ से मिला देंगे न, तो हो गया दामन। अब मैं आपको जो पूरी एक वाक्य बनाकर बताती हूँ। आज बादल बरस पड़ा। एक बात ये भी याद रखना कि जब भी हम लिखेंगे उर्दू में हमेशा इस तरफ से लिखेंगे, तो ये जो आज हमारा पहले इधर आएगा, तो ये तो हो गया अ, अभी इसमें आ है ये, तो इसमें हमने ये लगा दिया मद, तो इसने दे दी आ की आवाज आ, फिर क्या उसके बाद में ज, तो ये हमने पूरा लिख दिया ज, क्योंकि आ में ज नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये हो गया हमारा आज। फिर उसके बाद है बादल, तो ये तो हो गया हमारा ब, इसमें हमने आ की मात्रा लगानी है, तो ये यहाँ से जोड़ देंगे इसको आपस में, तो हो गया बा। अब आ की मात्रा आने के बाद में अभी द इसमें नहीं जुड़ेगा, तो फिर इसको हम ऐसे ही लिख देंगे ये द, फिर द में ल नहीं जुड़ता है, तो फिर ये ल को भी ऐसे ही लिख देंगे, तो ये हो गया बादल। फिर उसके बाद है बरस,
तो ये तो हो गया हमारा ब, अब ब में र जुड़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा यहाँ से ये र, कि अब र में सर नहीं जुड़ेगा, तो ये हो गया हमारा सर, बरस की उसके बाद है पड़ा, तो ये हो गया हमारा प, ये है अड़ा, तो ये हो गया हमारा प में ये र जोड़ दिया हमने। अब बड़ा में आखिरी मात्रा है, तो ये आखिरी मात्रा अब नहीं जुड़ेगी, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो ये हो गया आज बादल बरस पड़ा। तो ऐसे ही वाक्य आपको बनाने हैं और मुझे सेंड करना है। मैं आपको कुछ वाक्य देती हूँ जिन्हें आपको बनाकर मुझे बताना है, जैसे पहला है राधा खाना बना, दूसरा है राम बाजार जा, तीसरा है राजा बाजा बजा,